For latest updates, please press the bell icon and don't forget to subscribe to RA1 Creative Studio YouTube channel. Thank you. नमस्कार दोस्तों, A1 Creative Studio में आप सबका स्वागत है। तो आज एक रिक्वेस्टेड वीडियो है कि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि मिक्सर क्या होती है, जो कि ऑडियो मिक्सर है, एम्पलीफायर क्या होती है, होम स्टूडियो के बारे में जो बेसिक्स है, वो बहुत लोगों में कंफ्यूजन है कि मिक्सर को, बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि मिक्सर से लेके बॉक्स लगा देंगे। तो ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है जो कि मैं आज डिटेल उसके बारे में आपको क्लियरली चर्चा करूंगा कि क्या है मिक्सर और कौन सा मिक्सर आप लें और कौन सा प्रपोज के लिए कौन सा मिक्सर लें, कौन सा एम्पलीफायर किस प्रपोज के लिए लें, कौन सा स्पीकर किस प्रपोज में। पूरा ये जो पैकेज है मैं आपको कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके, और फिर भी आपको कहीं पे डाउट है तो आप जरूर हमको मैसेज करिए। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले तो बात कर लेते हैं कि मिक्सर क्या होती है। मैं पहले आपको बता दूं ये मिक्सर जो है, ऑडियो मिक्सर क्या है। देखिए अभी आपके सामने जो पिक्चर है आपको दिख रही होगी कि हाँ, यहाँ पे आपको एक सेट लगा हुआ है, माइक्रोफोन लगा हुआ है, एक ड्रम सेट लगा हुआ है, एक गिटार है, यहाँ पे ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे है। तो आप जैसे ऑर्केस्ट्रा जब लाइव देखते हैं तो क्या आप देखते हैं, कहाँ से आपको लगता है कि साउंड आ रहा है? आप स्पीकर से सुन रहे हैं, लेकिन स्पीकर से आप जब सुनते हैं तो उसमें से आपको ड्रम, गिटार, जो माइक्रोफोन वॉयस, जो सिंगर का वॉयस सब आता है आपको, जो भी इंस्ट्रूमेंट वहां पे लगता है। तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उसको एक हैंड्स बोलते हैं। हैंड्स जो टेक्निकल टर्म में, इन जनरल आपको हैंड्स मतलब एक ऑक्टोपैड एक हैंड हो गया, हारमोनियम एक हैंड हो गया, आपका कीबोर्ड एक हैंड हो गया, एक गिटार एक हैंड हो गया, जो भी इंस्ट्रूमेंट वहां पे बजता है, फ्लूट फ्लूट जो भी है, वो एक एक हैंड्स हो गया। एक हैंड्स एक इनपुट हो है। तबला में आप दो इनपुट ले सकते हैं दो माइक्रोफोन लगा के, लेकिन इन जनरल एक हैंड एक इनपुट सोच लीजिए। तो हर इनपुट को आप जो सबको लेके एक जगह पे हम लेते हैं जिसको हम मिक्सर बोलते हैं। जहां से देखिए, मैं आपको मिक्सर का एक पिक्चर दिखाता हूँ। ये वाला देखिए, आप एक मिक्सर है, देखिए ये वाला मिक्सर का पिक्चर हम दिखाते हैं। देखिए ये वाला कनेक्शन है मिक्सर का, देखिए ये वाला मिक्सर है और यहाँ पे आप देख सकते हैं माइक्रोफोन लगा है, यहाँ पे हम लोग लगाते हैं कीबोर्ड भी लगा है, यहाँ से हम लोग स्पीकर पावर स्पीकर आउटपुट भी लेते हैं। तो ऐसे है मिक्सर। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मिक्सर के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ क्या है मिक्सर। अब जितने भी सारा इंस्ट्रूमेंट है, देखिए अब जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, ये भी एक मिक्सर है। तो आप देखिए ये वाला एक मिक्सर मिलता है जो कि एक नॉर्मल मिक्सर है, जो कि सस्ता मिक्सर है जिसको आप यूज कर सकते हैं, वेहिंजर कंपनी का। तो ऐसे बहुत सारे मिक्सर है और ये स्टैंडर्ड मिक्सर है, 6500 रुपए का स्टैंडर्ड मिक्सर है जो कि आपको अमेजन में मिल जाएगा आराम से। तो इसमें क्या है मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। देखिए आप जूम कर देता हूँ थोड़ा बहुत यहाँ पे। देखिए ये जो मिक्सर, यहाँ पे दो इनपुट है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये तो आपको ठीक से दिखाई देगा, ये पैंटम पावर से, ये दोनों पैंटम पावर पे है। ये आपका आठ इनपुट, मतलब आठ इनपुट यहाँ पे है, दो ये है, ये छह, टोटल छह आठ इनपुट है। तो ये दोनों आपका फैंटम पावर से चलता है। सपोज आप कंडेंसर माइक्रोफोन लगा रहे हैं या डायनामिक, जो भी जिसमें आपको पावर प्री आम चाहिए, मतलब पहले से आपको पावर चाहिए, तो ये वाला, ये दोनों आप फैंटम पावर यूज करके उसको पावर कर सकते हैं, क्योंकि उसको सप्लाई चाहिए। ऐसे कुछ माइक्रोफोन है जैसे कंडेंसर माइक्रोफोन कुछ है जिनको पावर चाहिए होता है, 48 वोल्ट का पावर देता है ताकि इसका पिकअप पैटर्न वैसा ही है। तो अगर आपके पास डायनामिक नॉर्मल माइक्रोफोन तो आप इस किसी भी जैक में भी डाल सकते हैं। उसके साथ मिक्सर में क्या होता है, देखिए ये सारे जो बटन यहाँ पे देखिए, एक चैनल हो गया ये वाला, हर आठ चैनल, मतलब हर एक चैनल उसको बोलते हैं। तो ऐसे करके आठ चैनल है इसमें। तो और आउट, ये वाला आउटपुट है, देखिए यहाँ पे दो दो आउटपुट है, ये चार, ये चार, आठ हो गया, चार इनपुट, चार इनपुट और ये आउट, ये सब आउटपुट है। यहाँ पे क्या है, इसमें एक प्लस है, क्या है, इसमें एक स्पीकर आउटपुट भी है, देखिए ये वाला है ना, स्पीकर आउटपुट, मतलब आपको जो कि स्टूडियो के अंदर के लिए ये वाला आपको आउटपुट काम देगा ये वाला। और ये वाला जो आउटपुट है ये आपको दूसरी जगह पे लेना है, मतलब आप कहाँ ले जाएंगे, यहाँ से एम्पलीफायर लेके जाएंगे। बहुत लोग में कन्फ्यूजन है, यहाँ से हम लोग देखिए स्टूडियो के लिए आप यहाँ से स्पीकर ले सकते हैं, लेकिन आपको अगर बाहर बड़ा बड़ा स्पीकर लगाना है जो कि प्रोग्राम में, बड़े बड़े प्रोग्राम लगता है, तो उसके लिए आपको पावर एम्पलीफायर चाहिए। तो यहाँ से आपका दो आउटपुट लेफ्ट राइट जो जाएगा स्टेरियो, वो जाके जाए लगेगा जाके आपका एम्पलीफायर में। एम्पलीफायर कहाँ, कैसा है एम्पलीफायर, चलिए एम्पलीफायर में आपको दिखा, देखिए यहां से मिक्सर से जाके पावर एम्पलीफायर में लगेगा और पावर एम्पलीफायर से निकलेगा बॉक्स, जो मेन जो बॉक्स स्पीकर से, मेन स्पीकर, ये सब स्पीकर है, पावर एम्पलीफायर देके स्पीकर में जाएगा, है ना। तो यही है।
और जैसे कि आप बोल सकते हैं कि इनपुट देखिए माइक यहाँ पे 16 चैनल वाला बड़ा सा ये है, तो आपको लेके लिए नहीं चाहिए। तो जनरली आपको मैं बता दूं कि आपको पहले जितने भी इनपुट से, जैसे कि सारे के इनपुट जैसे कि है, अब देखिए ये वाला इनपुट से सारे इनपुट जितने हैं, देखिए माइक्रोफोन गिटार जो कीबोर्ड सारा इनपुट पहले आपको लाना है मिक्सर में, और मिक्सर से जो आउटपुट निकलेगा वो जाएगा आपका पावर एम्पलीफायर में, है ना। जैसे ये वाला देखिए वो पावर एम्पलीफायर से जाके स्पीकर जाएगा, और यहाँ पे आप लोगों का मिक्सर में ही सारे इनपुट का कंट्रोल होता है। ये चीज आप ध्यान में रखिए, जो मिक्सर है ये सारे, आप किसी को सपोज आप गिटार को थोड़ा कम करना चाहते हैं तो उसमें क्या करेंगे, आप ये वाला जो ये चैनल में सपोज आपका गिटार लगा हुआ है तो आप इसमें से आपका ये वाला इक्वलाइजर सेक्शन है, इक्वलाइजर सेक्शन के बारे में थोड़ा अगर इसको डाउट है तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन ये इक्वलाइजर सेक्शन है, ये चार ये तीन हाई मीडियम लो, ये तीनों मीडी है और इक्वलाइजर सेक्शन में, और ये इफेक्ट्स मतलब स्पेशल इफेक्ट जो रेड वाला बटन है ये स्पेशल इफेक्ट्स है, और ये वॉल्यूम बढ़ाने के लिए आपका मैक्सिमम वॉल्यूम बढ़ाने के लिए ये वाला है। तो ऐसे सारे चैनल एक एक चैनल के लिए एक एक कंट्रोल, सारा कंट्रोल है यहाँ पे, तो ऐसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये मास्टर है यहाँ पे, ये सारे को आप पहले कंट्रोल कर लीजिए कितना आउटपुट कितना जाना चाहिए, सबको कंट्रोल किया लास्ट में मास्टर वॉल्यूम को आप कंट्रोल कर सकते हैं। इस ये वाला जो आउटपुट यहाँ से जाएगा आप यहाँ से भी ले सकते हैं, अगर आप आरसीए पिन है तो यहाँ से ले सकते हैं, या अगर आपको मोनो और 6.3 का कुछ कॉर्ड है तो आप यहाँ से आउटपुट ले सकते हैं। लेफ्ट एंड राइट लेंगे तो आप यहाँ से लेके सीधा आपका जो पावर एम्पलीफायर से, पावर एम्पलीफायर देखिए ये वाला एक एम्पलीफायर, देखो ये वाला एम्पलीफायर इस यहाँ पे डालना है, यहां से आपको बॉक्स को जाएगा, जैसे कि देखिए यहां से एम्पलीफायर से बॉक्स को जाता है, मिक्सर से नहीं जाता, मिक्सर से बस स्टूडियो जो मॉनिटर रहता है, स्टूडियो बॉक्स रहता है उसके लिए जाएगा। जैसे कि यहां से मैं आपको बता दूं यहाँ पे देखिए स्टूडियो वाला बॉक्स यही है, पावर स्पीकर ये है, स्टूडियो के लिए बस है, बाहर नहीं लगेगा ये। और बाकी और एक चीज मैं बता दूं कि अगर आप घर होम स्टूडियो बना रहे हैं, देखिए ये वाला मिक्सर भी है यहाँ पे, आप यूएसबी पावर वाला मिक्सर है तो यहाँ पे यहाँ से डायरेक्ट आप लगा सकते हैं पीसी में ये वाला इनपुट देके। और ये और एक प्रोडक्ट है जो कि बंडल है पॉडकास्ट का, इसमें क्या है आपको मिक्सर मिलता है, हेडफोन मिलता है और इंटरफेस तो माइक्रोफोन सब चीज मिलता है। तो ये पैकेज में आप अगर लेंगे तो ये पैकेज आपको डायरेक्टली बेनिफिट देगा। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं ये सारा का सारा चीज का दे रहा हूं, अगर आप चाहे तो उसको खरीद सकते हैं, ये अच्छी कंपनी का है। और ये वाला आप देखिए ये एक बॉक्स है जिसको इसमें आपको यूएसबी इनपुट है, कार्ड रीडर है, ब्लूटूथ फैसिलिटी सब फैसिलिटी है इस बॉक्स में, इसका भी मैं दे देता हूँ एक चीज। तो ऐसे करके आप होम स्टूडियो सेटअप कर सकते हैं, ये वाला देखिए आपका मीडी कीबोर्ड, ऐसे करके आप होम स्टूडियो कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे भी कुछ डाउट्स लगता है तो आप हमको जरूर बात करिए, कोई भी चीज आप मिक्सिंग के बारे में हो या रिकॉर्डिंग के बारे में हो कैसे भी करके, और कोई अगर स्पेशल इफेक्ट्स है कैसे हम लोग करते हैं तो उसके बारे में है तो आप जरूर हमको बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया होगा तो अगर एक समरी बनाया जाए तो मैं आपको समरी थोड़ा बहुत बता देता हूँ कैसे आप लोग का सेटअप बनाएंगे। ये आपका देखिए ये आपका हो गया मिक्सर, मिक्सर में आपका इनपुट हो जाता है माइक्रोफोन कीबोर्ड और आपका गिटार तबला जो भी है आपका इनपुट यहाँ पे हो गया सारे के सारे, यहाँ पे आठ का आठ इनपुट, ये जो दोनों आउटपुट है वो आउटपुट आपका यहाँ पे जा रहा है कंप्यूटर में जा रहा है, और यहाँ पे इसका भी आउटपुट आपका पावर स्पीकर पे भी जा रहा है। तो ऐसे करके आप कर सकते हैं, ये है आपका सेटअप। अगर आप लाइव पे हैं तो लाइव में आप क्या करेंगे, लाइव में ऐसे सारा इनपुट यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ से दो आउटपुट ले जाइए और आपका लगाएंगे पावर एम्पलीफायर में, है ना। तो पावर एम्पलीफायर से बॉक्स प्लग जाएगा, जैसे कि ये वाला पिक्चर है, ये यहाँ सारा इनपुट यहाँ पे जाएगा, जितना भी इनपुट है आपका यहाँ जाएगा, यहाँ से पावर एम्पलीफायर से मेन बॉक्स में आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ये है पूरा थ्योरी। फिर भी अगर आपको कहीं पे कुछ डाउट है मिक्सर का सेटिंग और कुछ भी सेटिंग, कुछ भी कौन सी प्रोडक्ट के ऊपर कुछ भी डाउट है, जितने भी नॉब है इंडिविजुअल नॉब पे अगर आपको कुछ डाउट है तो आप जरूर हमको बताइए कमेंट बॉक्स से लिखिए। और हमारे ये चैनल को आपको अच्छा लगा ये वाला वीडियो तो आप जरूर हमको सब्सक्राइब करिए और ये घंटा वाला बटन जरूर दबाइए। आज के लिए इतना ही, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू, जय हिंद, जय भारत, स्वच्छ भारत। फॉर लेटेस्ट अपडेट्स प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आरए1 क्रिएटिव स्टूडियो यूट्यूब चैनल। थैंक यू।